मला आज जाण्यापासून थांबवतोस? तुला लाज नाही वाटत? ये मेरा घर है, अब मेरे घर में जाने के लिए मुझे फोटो आईडी की जरूरत होगी। शर्म नहीं आती तुझे? सॉरी मैडम। अरे मैम आप आइए ना मैम। आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तुम यहाँ झुक झुक के मुझसे बात कर रहे हो और तुम्हारा ये आदमी इस तरह बात करते हैं लोगों से? माफ कर दीजिए मैम, एक्चुअली क्या है कि ये अभी नया नया है और आपको जानता नहीं है, तो उसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी मैम। सॉरी मैडम। होनी भी नहीं चाहिए, और दोबारा ऐसी गलती हुई तो ये यहाँ नहीं रहेगा और तुम भी नहीं रहोगे। ठीक है, सामान आप क्यों नहीं है? जाओ जाकर के जल्दी से सामान निकालो। चलो ठीक है सर। महादेव ये सब क्या है? गार्डन का क्या हाल बना के रखा है तुमने? पैसे काम के लेते हो या आराम करने के? ये जरा देखो तो पौधों को, ढंग से शेप नहीं किया है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हो क्या रहा है ये सब? और तुम कैसे खड़े हो? सीधे खड़े हो जाओ। जो इंसान खुद में अनुशासन नहीं ला सकता, वो किसी भी चीज में अनुशासन नहीं ला सकता, समझे? और आप सब ध्यान से सुनिए, अब मैं यहां आ गई हूं, मुझे किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी, समझ गए आप? आप सबने मेरे गुस्से के बारे में सुना है, अगर लापरवाही की तो मेरा गुस्सा देखेंगे। गायत्री, आई एम रियली सॉरी, आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो इट वॉज जस्ट रियली एम्बेरसिंग फॉर मी। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच फॉर बींग अंडरस्टैंडिंग। यस हाँ हाँ, ऑफकोर्स हम जरूर मिलेंगे, मैं फोन करती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू, बाय गाइस। गॉड शिरीष, ये राघव मात्रे का कुछ करना पड़ेगा, मतलब हद हो गई। आज वो आदमी हमारे घर में आके तमाशा कर रहा है, कल तो वो सुशाली, काम डाउन। राघव मात्रे को मुझे हैंडल करने दो, और वैसे भी वो किस टाइप का आदमी है, किस क्लास का आदमी है, इसका अंदाजा मैं पहले से था ना। फिर भी हमने जानबूझ के अंकिता की उससे शादी कराई, मैं उससे कॉन्शियस डिसीजन, तो अब उसके रेपरकशन तो हम। शिरीष सुनन बताई। हाँ, डिड यू नो? तुम्हें पता था वो आ रही है? आई हैव नो आइडिया। कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई मेल, कुछ नहीं। आई हैव नो आइडिया। शिरीष हम क्या करेंगे? व्हाटएवर, अब हैंडल तो करना ही पड़ेगा। चलो चलो चलो, लेट्स गो रिसीव हर। शिरीष, हमने उन्हें नरेन की शादी के बारे में नहीं बताया। गॉड रुशाली, आई टोल्ड यू टू कॉल हर अप। अगर तुमने फोन कर देती तो मुसीबत ही ना आती। जानती हूँ हर चीज के बारे में, वो कितनी पर्टिकुलर है, खास तौर पे नरेन के बारे में। आई मीन, अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। तो मैं तुम्हें क्या करती, उनको क्या बताती कि हमने एक चौल वाली लड़की के साथ में नरेन की शादी कर दी है? यू नो उनका रिएक्शन क्या होता? जानता हूँ उनका रिएक्शन क्या होता रुशाली, बट यू अंडरस्टैंड ना कि ताई से कोई बात ना छिपी है ना छिपी रह सकती है। और रुशाली, टेक्निकली ये घर और ये बिजनेस आज भी उनके नाम पर है। डन अ बिग मिस्टेक, अगर वो नाराज हो गई ना, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। वी कांट डू दैट शिरीष। मैंने सोचा था कि नरेन की शादी हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा तो बताएंगे। नो, लेकिन उसकी शादी हो गई और अब पूरी तरह से अभी नॉर्मल भी नहीं है, यानी क्या होने वाला है यार। जो भी है कुछ करना तो पड़ेगा। क्या चलो करेंगे शिरीष, अभी तो चलो हैंडल करते हैं ना। कम ऑन कम ऑन कम। ओके ओके, लेट मी जस्ट डन। तुम फोन कहाँ कर रही हो? आई हैव टू कॉल अंकिता, वो अभी नहीं आ सकते यहाँ पर। सुनंदा ताई, व्हाट अ सरप्राइज। ताई आप यहाँ? अरे आइए ना, आइए आइए ना। खुश हो? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच बताऊँ तो जोड़ों के दर्दों ने थोड़ा सा परेशान कर दिया है, बट अदरवाइज आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आपने कोई खबर नहीं की, कोई फोन नहीं किया, मैं एयरपोर्ट आता ना आपको लेने, इसीलिए बिना बताए चली आई। लंदन में हम इसे सरप्राइज कहते हैं, मजे का मजा हो जाता है और फिर कुछ ऐसी सच्चाइयों का पता चलता है जो शायद ही कभी पता चले। राइट रुशाली, हमारा आपसे क्या छुपा है ताई? वही तो जानना चाहती हूं। एक्सक्यूज़ मी सर। हेलो। हाँ, आपने फोन किया था? तुम कब आ रही हो? जी हम लोग बस 5 मिनट में घर पहुंच ही रहे हैं। ओके हेलो। तो मैं कह रही थी कि घुटनों के दर्दों ने बहुत परेशान कर दिया था, लंदन में कई सारे डॉक्टर्स किए पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप इंडिया जाइए, नेचुरोपैथी ट्राई कीजिए,
तो सोचा वाई नॉट, आखिर अपना देश है, और फिर सोचा कि इसी बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी, तो चली आई। बहुत बढ़िया आइडिया। रौनक, तो इस समय घर पे क्या कर रहा है? कमर में दर्द है? खुश रहो। ये क्या है रौनक, कितने दुबले हो गए हो? तुम्हारी माँ तुम्हें खिलाती नहीं है क्या? बस खुद ही नहीं है तू? यू कैन फाइन, फिट हूँ मैं बिल्कुल। तो फिर ऑफिस क्यों नहीं गए? इंसान को काम में बिजी रहना चाहिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और फिर ऐसी चीजों के बारे में सोचता है जिनके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। आई एक्चुअली हम लोग के ऑफिस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी अभी खत्म हुआ है, इसलिए रौनक इज जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, और कुछ नहीं। यस, ओके, फिर ठीक। अच्छा मेरा नरेन कहाँ है? ऑफिस गया है वो? एक मीटिंग थी आज शाम से। ओह, ऑफिस गया है यानी शाम तक मुलाकात नहीं होगी ना? नहीं। जीनियस है लड़का, काम में लगा रहता है तो खाना पीना सोना उठना घर बाहर कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा घर आए तो मुझे बता देना, ओके? कॉस ऑफ कॉस। लेकिन आप इतनी लंबी फ्लाइट से आई हैं, आप थोड़ा आराम करिए ना, मैं आपके लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। आइए आप कमरे में चलिए। मैं इस घर में नई नहीं हूँ, कौन सा कमरा कहाँ है मैं जानती हूँ। के जाने के पहले नरेन अंकिता नहीं आए, नहीं तो क्या हो जाता? क्यों? क्योंकि हमने ताई को नरेन की शादी के बारे में नहीं बताया। And why didn't we do that? अपनी आतू को नहीं जानते, कितनी क्लास कॉन्शियस है वो। अगर उनको मालूम पड़ जाता कि नरेन की शादी एक लोअर मिडिल क्लास लड़की से हुई है, उनका रिएक्शन जानते हो तुम? रौनक, यू शुड नो, तुम्हारा जो ऑफिस था ना, एग्जैक्टली उसके ऑफिस। प्लीज, मुझे ऑफिस के बारे में कुछ नहीं जानना है, ऑफिस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कुछ लोगों की कृपा है बस इसीलिए। तुम मेरे साथ आओ एक मिनट। क्या हुआ? मैं भी चलूं? नहीं नहीं, जस्ट टू ऑफ अस। गर्ल टॉक ना? यस। अच्छा रौनक, मैं पता क्या बता रहा था ऑफिस के लिए ना, डैड को बताओ ना। डैड हैव टेल, ये देखो फोटोज। मॉम, आना। नरेन, तू? ओह माय गॉड, तू आप? अतू, आई डोंट बिलीव दिस। ओके ओके, ट्रेडिशनल स्टाइल, एक मिनट। गेट अप। अतू, हाउ आर यू? मैं आपकी कहानियां इतनी मिस करता हूँ, इतनी मिस करता हूँ। एक्चुअली मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? आप इस बार इतने सालों बाद आए हो, भूल गए ना अपने नरेन को? आपको मेरी याद बिल्कुल नहीं आती ना? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें भूल जाऊंगी? अगर तुम्हें भूल जाऊंगी, तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दूंगी, तो मेरी जिंदगी में सोचने जैसा कुछ नहीं बचेगा। That's my Atu. अच्छा मुझे बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत? मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, बूढ़े तो आप हो रहे हो, कलर है वाला, नाइस। नरेन, सॉरी। आप आना को मिले क्या? आओ, मैं आने से मिला। आप ताई, आप ये बताइए, आप नरेन के लिए वो लंदन से चॉकलेट्स लाए जो मुझे भी बहुत पसंद है? हाँ, सेल्फिश से लाए हो? ऑफ कोर्स, तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट्स ना भूल जाऊंगी क्या मैं?
I'm not giving you one. अरे आप शेयर नहीं करोगे. That's all for me. अतु अतु अरे कमरिया कर लप लप. ए सलीम सलीम रुक रुक रुक. पहले मुंह खोलो और ये खाओ. पूछो क्या हुआ हमारे साथ. बहुत हल्का हो गया हमारा बॉस. अरे सत्ता भैया हमारा जिगरी है. तेरे को ऐसी फर्स्ट बताएंगे दिल तो गद गद हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन मुकल मुकल आशाबाश कमरिया कर. अरे राघव मिठाई किस खुशी में बांट रहा है. दारू छोड़ दी क्या. दारू छोड़े हमारे दुश्मन. अब से तो हम सिर्फ विलायती पियेंगे. अरे चकना भी नहीं खाएंगे सिर्फ विलायती पियेंगे. विलायती भाई क्यों किस खुशी में. अरे भैया दिल से इतना बड़ा बोझ उतारा है. कहा बताए पूरे 170,000 रूपए. अरे सुन रहे हो 170,000 रूपए का बोझ हल्का करके आए आज. कहा बताए ऐसा लग रहा. हाँ ऐसा लग रहा चैन ग्रीन सोएंगे रोज मिठाई बांटेंगे रोज. आज जिनको तुमने देखा वो सुनंदा ताई है. शिरीष की बड़ी बहन है. वो लंदन में रहती है. एक्चुअली अंकिता ये घर जो कुछ भी है सुनंदा ताई की वजह से है. शिरीष के बिजनेस से लेकर इस घर तक सब कुछ सुनंदा ताई के सपोर्ट से उनके पैसों से ही खड़ा हुआ है. इनफैक्ट आज भी सब चीज की ओनर वही है. उन्होंने कभी शादी नहीं की उस लिहाज से हम लोग उनका परिवार हैं. नरेन और रौनक से तो वो अपने बच्चों जैसा प्यार करती हैं. इसलिए नरेन से उनसे मिलकर इतने एक्साइटेड हो गए थे ना. हाँ एक्चुअली सुनंदा ताई नरेन के बारे में एक बात नहीं जानती. क्या. कि नरेन की शादी तुमसे हुई है. देखो सुनंदा ताई को आर्थराइटिस है. वो तो कभी ट्रैवल ही नहीं करती. हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो लंदन से इतना दूर यहाँ तक आएंगी. हाँ तो आप उन्हें बता दीजिए कि हमारी शादी हो गई. अंकिता तुम समझती नहीं हो. सुनंदा ताई नरेन को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव है. जब उन्हें ये बात मालूम पड़ेगी कि उनके लाडले भांजे की शादी एक चौल वाली लड़की से हो गई है जिसका जिसका बाप चोर है जो लोगों के घरों में जाके चीजें चुराता है. ओ माय गॉड वो तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी. उनको तुम्हारे और नरेन के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं पड़ सकता क्योंकि चाहे तुम कितनी भी अच्छी हो लेकिन तुम. आई एम रियली सॉरी अंकिता. देखो आई रियली डिडंट वांट टू हर्ट यू. एक्चुअली ये सब इतना अचानक हुआ है मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा. आई एम सो टेंस. अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना कि वो आएंगी. आप चिंता मत कीजिए. आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. मेरे और नरेन सर के रिश्ते की सच्चाई उनके सामने कभी नहीं आएगी. मैं मैनेज कर लूं. थैंक यू सो मच अंकिता. एक एक बात और. ये प्लीज अपना मंगलसूत्र और रिंग तुम उतार दो. शी इज वेरी शार्प अंकिता. वो एक नजर में देखते सब कुछ समझ जाएंगे. देखो तुमने मेरे लिए बहुत फेवर्स किए अंकिता. प्लीज जस्ट वन मोर. आई प्रॉमिस प्लीज. आई एम सॉरी. थैंक यू. उनको आर्थराइटिस है और वो एक नेचुरोपैथी क्लिनिक में आई है. वहां उनकी एक अपॉइंटमेंट है. वो जैसे ही रिकवर हो जाएंगी वो लंदन वापस चली जाएंगी. बस तब तक आई प्रॉमिस. अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो ताई यू लेट मी नो. राइट. किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद ले लूंगी. लेट मी रिमाइंड यू मैं इस घर में मेहमान नहीं हूं. इस घर की मालकिन हूं मैं. मुझे ये बताओ हाउ इज नरेन ना. उसकी तबीयत कैसी है. कोई ज्यादा फर्क नहीं है. अभी भी वैसा ही है.
इलाज चल रहा है उसका, सो वी होप जल्दी ठीक हो जाएगा। वो आज भी उस अहाना को याद करता है? ताई हम कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोशिशें बहुत हो गई। आई वॉन्ट अ परमानेंट सोल्यूशन। आई थिंक हमें नरेन की शादी कर देनी चाहिए। शादी एवढं दस काय काय झालं? जगा वेगळं काहीही सांगत नाही आम्ही। मेरा तजुर्बा मुझे कहता है कि नरेन की जिंदगी में किसी लड़की का आना बहुत जरूरी है। वो लड़की नरेन को ठीक कर देगी। बस कोई अच्छी लड़की मिल जाए। तुम्हें पता है मैं अतुल इज द बेस्ट। उनके पास कहानियों का इतना स्टॉक है, वो भी ट्रू स्टोरीज। जब बचपन में मुझे नींद नहीं आती थी ना, तो मुझे कहानी सुनाती थी और डर के मारे मुझे नींद आ जाती थी। आना ये सब जल्दी खत्म करो ना, मुझे उन्हें मिलवाना है तुमसे। एंड आई वांट टू प्रूव हर रॉन्ग। मतलब वो हमेशा कहती थी कि मुझे अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी। आई वांट टू शो हर दैट आई हैव गॉट द बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। तुम देखना, तुम्हें 100% एक बारी में पहचान लेगी कि तुम ही मेरी वाइफ। नो सर, वो एक्चुअली क्या तुम मिलना नहीं चाहती उनसे? क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो बात नहीं है। फिर मतलब इतनी रात हो गई है तो वो सो गई होगी ना, क्या मतलब है अभी मिलने का? कल मिलेंगे। एक्चुअली यू आर राइट, रात को नहीं मिलते हैं। शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्लीपिंग, गेटिंग अप, जॉगिंग। तो ऐसा करते हैं, कल सुबह उठते सबसे पहले। ओके अर्जुन, मैं जब से इंडिया आई हूं तुमने एक बार भी पिया के बारे में कुछ नहीं पूछा। बेटी है वो तुम्हारी। तुम्हें जानने का मन नहीं होता है? वो क्या कर रही है, कैसी दिखती है, उसकी आदतें कैसी है, कुछ भी नहीं? मैंने जानने की कोशिश नहीं की। यू सीरियस? ओवी, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कैसी है। वो सिडनी में है, पढ़ाई कर रही है। पता है अर्जुन, उसकी आदतें बिल्कुल तुम पर गई है, बिल्कुल तुम्हारे जितनी जिद्दी है वो। अर्जुन, मैं बहुत समय से तुम्हें कुछ कहना चाहती थी, आज कह दूं? कहो। आई एम सॉरी। मैं समझा नहीं। अर्जुन, मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से है। अर्जुन, मैं जानती हूं कि अनजाने में मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, जिसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं। मैं तुमसे ये सब बहुत पहले कहना चाहती थी, पर कभी भी। रहने दो नोवी, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जो करना था, तुमसे जो गलतियां होनी थी, वो हो गई। अब इस बारे में बातें करके कुछ बदला तो जा नहीं सकता। और वैसे भी ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ गलतियां की, तुमने वक्त रहते उनका पछतावा भी किया, प्रायश्चित भी किया। लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर तुमसे उस वक्त मैं कनाडा में नहीं मिलता, तो आज शायद मैं अपने परिवार और पूर्वी के साथ होता। छोड़ो ना, हमें देर हो रही है, चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अतुल। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। हे ब्रो। हेलो डैड। ओके, लेट मी गेस कि आज स्पेशल आइटम में क्या बना। शीरा, अतु का फेवरेट, देगा? लव इट। अच्छा तू एक बात बताओ, आपने मुंबई देखी है? एक्सक्यूज मी नरेन, मैं लंदन में रहती हूं, पर मेरा जन्म यही हुआ है, मैं यही की हूं। अरे अतु, वो नहीं, लेटेस्ट मुंबई। यू नो, काफी कुछ चेंज हो गया। मेट्रो आ गई है, फ्लाईओवर्स बन गए हैं और हाईवे बहुत अच्छा हो गया है। ऐसा करते हैं, हम तीनों घूमने चलते हैं आज। व्हाट डू यू से?
इधर। हाँ आप, मैं और आना। ओके मॉम। नरेन तुमने कुछ भी खाया नहीं है, व्हाई डोंट यू हैव योर ब्रेकफास्ट, खाओ। ओके लेकिन मैं खाना कैसे खा सकता हूँ, अब तक आना नहीं आई है एंड यू नो आई डोंट ईट बिफोर हर। नरेन आना यहाँ कैसे? अब मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बीच में खाना छोड़ के कहाँ जा रहे हो? Just sit down. मैं लेके आती हूँ आहाना। No no mom, listen, आप नहीं जाओगे, मैं जाऊँगा, मैं लेके आता हूँ। I'll introduce you to her. एक मिनट रुके रहो। आहाना, आहाना। आपने तो मेरा काम आसान कर दिया ब्रो। आप खुद अंकिता को अत्तू के सामने लेके आ रहे हो। अब आएगा मजा। यहाँ अंकिता की सच्चाई बाहर और वहाँ वो घर से बाहर। थर्ड बेल हो चुकी है। द ड्रामा इज अबाउट टू बिगिन।